नमस्कार, मेरा नाम अमित है। आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro और सैमसंग गैलेक्सी A9 Pro के बीच में डिटेल कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ही फोन्स में आपको काफ़ी सारी सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगी और अगर हम बात करें प्राइस की तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल कंपैरिजन देकर बताने वाले हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर है। प्राइस की बात करें तो सैमसंग का C9 Pro आपको मिलता है 36,900 रुपीज़ की प्राइस में, जबकि A9 Pro मिलता है आपको 29,900 की प्राइस में। अवेलेबिलिटी की बात करें तो आपको ये दोनों ही फोन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाएंगे, आप जहाँ से भी चाहें खरीद सकते हैं। आज हम करने वाले हैं इन दोनों फोन्स के बीच में डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, गेमिंग परफॉर्मेंस, कुछ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और बैटरी, इन सारी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, ताकि आप जान सकें कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले डिज़ाइन से। इन दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है 6 इंचेस का स्क्रीन साइज। बिल्ट इन क्वालिटी की बात करें तो A9 Pro आपको मिलता है मेटल और ग्लास के कॉम्बिनेशन के साथ में। आप देख सकते हैं ये फ़ोन बना है यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन से, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 4 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इससे इस फ़ोन का लुक प्रीमियम बन जाता है, साथ ही ये काफ़ी ड्यूरेबल फ़ोन भी बन जाता है। अगर हम बात करें इसके थिकनेस की तो यहाँ पे आपको मिलता है 7.9 mm का थिकनेस, 210 ग्राम का आपको यहाँ पे वेट दिखाई देगा। और बात करें C9 Pro के बिल्ट इन क्वालिटी की तो ये पूरा फ़ोन आपको मिलता है मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ में। यहाँ पे आपको बैक साइड में कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है। अगर हम बात करें फ्रंट साइड की तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है 6.9 mm का थिकनेस, तो ये काफ़ी स्लिम फ़ोन है और 189 ग्राम के वेट के साथ में आपको ये मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके बैक साइड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एजेस आपको कर्व दिखाई देंगे, जिससे इस फ़ोन का ग्रिप काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन के डिज़ाइन की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक साइड में, लेकिन इसका जो थिकनेस है वो है 7.9 mm, जबकि आपको C9 Pro का थिकनेस मिलता है 6.9 mm। तो यहाँ पर ग्रिप की बात करें तो C9 Pro में आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिलेगी, इसके अलावा वेट भी आपको C9 Pro में कम मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें प्रीमियम लुक की तो ऑब्वियसली C9 Pro यहाँ पे विनर होता है, लेकिन यहाँ पे हम A9 Pro के लुक को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास फिनिश के साथ में एक प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन का जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, प्रीमियम फिनिश के साथ में ये दोनों फ़ोन आपको मिलने वाले हैं। तो ये था इन दोनों फ़ोन का डिज़ाइन और अब हम चलेंगे इन दोनों फ़ोन का डिस्प्ले कंपैरिजन पे। तो डिस्प्ले का कंपैरिजन करने से पहले आपको बताते हैं दोनों ही फोन्स में आपको मिलने वाला है 6 इंचेस का फुल HD सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, जिसके रेजोल्यूशन होंगे 1080x1920 के। अगर हम बात कर रहे हैं PPI की तो यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स में मिलने वाले हैं 367 PPI। तो दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले आपको सेम मिल रहा है। एक वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं कि दोनों के व्यूइंग एक्सपीरियंस में हमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता है या नहीं। दोनों फ़ोन का डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों ही फ़ोन्स में सेम डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें व्यूइंग एक्सपीरियंस की, कलर रेजोल्यूशन की, तो आपको दोनों ही फ़ोन्स में सेम देखने को मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स में हमको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलता है वो है फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और हम जानते हैं कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है।
अब हम चलते हैं दोनों फोन्स के कैमरा कंपैरिजन पे। तो आपको बता दें, दोनों ही फोन्स में आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे की तो C9 Pro में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। मींस आपको C9 Pro में फ्रंट और बैक साइड 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे A9 Pro में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। इसके अलावा अगर हम बात करें अपैचर की तो दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है फ्रंट और बैक साइड मींस बोथ साइड आपको मिलने वाला है 1.9 फोकल लेंस, जिससे कि आपको लो लाइट कंडीशंस में अच्छे फोटोज मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लैश की तो C9 Pro में आपको मिलेगा ड्यूअल LED फ्लैश और A9 Pro में आपको मिलता है सिंगल LED फ्लैश। तो लो लाइट कंडीशंस में आपको C9 Pro में और भी अच्छी इमेजेस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे C9 Pro में एक मिसिंग फीचर देखने को मिलता है और वो है OIS। C9 Pro में आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि A9 Pro में आपको OIS मिल जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि काफी बड़ा फीचर Samsung ने इस फोन में मिस कर दिया है। तो अगर हम फोटो या वीडियो लेना चाहते हैं मूविंग टाइम, तो वहाँ पे आपको A9 Pro में ज़्यादा बेटर क्वालिटी की पिक्चर्स और वीडियो देखने को मिल सकती हैं अगर हम कंपेयर करें C9 Pro से। तो चलिए पिक्चर लेते हैं दोनों ही फोन से और देखते हैं कि कौन से फोन की पिक्चर क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। तो दोनों ही फोन की पिक्चर हमारे सामने है, एक ही एंगल से लिया गया, सेम लाइट कंडीशन में आपको C9 Pro में ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी दिख रही होगी। हालांकि A9 Pro में भी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम बात करें बैटर की तो यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी दिखाई दे रही होगी। बात करें दूसरी पिक्चर की तो यहाँ पे भी देखें तो दोनों में ही आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें बैटर क्वालिटी की तो वो आपको C9 Pro में अच्छे देखने को मिल रही है। यह है फ्रंट कैमरे पिक्चर जो कि है C9 Pro में 16 मेगापिक्सल से लिया हुआ और A9 Pro में 8 मेगापिक्सल से लिया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम बात करें फ्रेम साइज की तो वो आपको मिलता है A9 Pro में बड़ा, लेकिन अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो वो आपको C9 Pro में ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। कुछ इमेजेस और वीडियोस हम और ले रहे हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं हम दोनों फोन्स का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और गेमिंग परफॉर्मेंस। तो आपको बता दें दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 चिपसेट। अगर हम बात करें C9 Pro की तो यहाँ पे आपको मिलता है 2.5 GHz के ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ में, जबकि A9 Pro में आपको मिलने वाला है 2.2 GHz के ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ में। अगर हम बात करते हैं रैम की तो यहाँ पे आपको अच्छा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि C9 Pro में आपको मिलता है 6 GB का रैम, जबकि A9 Pro में आपको मिलता है 4 GB का रैम। यहाँ पे आपको इंटरनल मेमोरी में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। C9 Pro में मिलेगा आपको 64 GB का इंटरनल मेमोरी, जबकि A9 Pro में आपको मिलता है 32 GB का इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आपको रैम और इंटरनल मेमोरी में दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि दोनों ही फोन्स ड्यूअल सिम हैं और दोनों ही फोन्स में आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है माइक्रो एसडी कार्ड लगाने के लिए। तो दोनों ही फोन्स का मेमोरी आप 256 GB तक और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब गेमिंग परफॉर्मेंस। पहले हम देख रहे हैं C9 Pro का गेमिंग परफॉर्मेंस और इसमें हम खेल रहे हैं अल्फाट 8।
तो आप देख सकते हैं C9 Pro में हमें काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्राफिक क्वालिटी अच्छी है, मेन यहाँ पे आपको कंट्रोलर काफ़ी स्मूथ मिल रहे हैं, और अगर हम बात करें फ्रेम ड्रॉप्स या फिर लैग की तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, और हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये था C9 Pro का गेमिंग परफॉर्मेंस, और अब हम देखेंगे कि A9 Pro में हमको सेम गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है या नहीं। तो ये आप देख रहे हैं A9 Pro का गेमिंग परफॉर्मेंस, हमें यहाँ पे वैसा ही एक्सपीरियंस हो रहा है जैसा कि हमें C9 Pro में देखने को मिला था। यहाँ पे हमें ग्राफिक क्वालिटी अच्छी दिख रही है, कंट्रोलर अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहे हैं, लैग और फ्रेम ड्रॉप जैसे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटी सी दिक्कत हो रही है कि इस फ़ोन को हमें ग्रिप करने में काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये है 6 इंच का स्क्रीन साइज़ और इसका थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हम इस फ़ोन को अच्छे से ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था A9 Pro का गेमिंग परफॉर्मेंस, आपने देखा कि A9 Pro में भी हमें अच्छा एक्सपीरियंस हुआ गेमिंग का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा इशू था कि हम इस फ़ोन को इजीली ग्रिप नहीं कर सकते, तो जो हमें एक्सपीरियंस A9 Pro में हो रहा था हमने यहाँ पे मिस किया। बात करें फ़ोन की परफॉर्मेंस और स्पीड की, तो हमने एक वीडियो किया था जिसमें स्पीड टेस्ट था C9 Pro और A9 Pro के बीच में, और हमने यहाँ पे देखा कि हमें ऑलमोस्ट सेम स्पीड दोनों ही फोन्स में देखने को मिला। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे दिए गए लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। आप कंपेयर करते हैं दोनों फोन की बैटरी में, तो आपको बता दें C9 Pro में आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी, जबकि आपको A9 Pro में मिलेगा 5000 mAh का बैटरी। तो यहाँ पे आपको A9 Pro में काफ़ी अच्छा बैटरी मिलने वाला है, तो बैटरी का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली A9 Pro का अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिग बैटरी मीन्स 5000 mAh का बैटरी मिलेगा। तो ये था इन दोनों फ़ोन के बीच में डिटेल कंपैरिजन। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो। आगे के ऐसे वीडियो देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करना ना भूलें, इस बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के लिए नए अपडेट्स ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।